एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना में नवसिवथिक किसे कहते हैं और नवसिवथिक किसके लिए आवश्यक है, जरूरी है। क्या नवसिवथिक हर किसी व्यक्ति के लिए जो विपश्यना करना चाहता है आवश्यक है, या कुछ विशेष लोगों के लिए ही नवसिवथिक जरूरी है, करना चाहिए। नवसिवथिक को समझना चाहिए। नवसिवथिक ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो काम वासनाओं में इस कदर डूबे रहते हैं कि हजार समझाने पर भी उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता, बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि इस शरीर के भीतर गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं। बुद्ध ने इसको एक पका हुआ फोड़ा कहकर कहा, जिसके 9 मुंह हैं, इस तरह से समझाने की कोशिश की। लेकिन जो व्यक्ति विपश्यना तो करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर काम वासनाएं जोर मारती हैं, घर कर चुकी हैं और इतने गहरे में घर कर चुकी हैं कि उस व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं, उस व्यक्ति के कुछ समझ में आता ही नहीं, वो बिल्कुल ही जैसे अंधानुकरण कर रहा हो, अंधानुसरण कर रहा हो। इस तरह से जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर काम वासनाएं बहुत गहरे में बैठी हुई हैं, उनके लिए बुद्ध ने नवसिवथिक एक उपाय बताया। और ये नवसिवथिक क्या है? नवसिवथिक यह है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनके अंदर इतनी गहरी आसक्ति है शरीर के प्रति, शरीर के प्रति इतना आकर्षण है, उनके आकर्षण को तुड़वाने के लिए उन्हें कई प्रकार के श्मशानों में भिजवाया जाता था। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वहाँ पर बैठकर मुर्दा लाशों को देखें, लाशों की विकृति विकसित सत्य विकसित अवस्था को देखें, अलग अलग अवस्थाओं में विकृत हुई लाशें जब वो व्यक्ति देखता है, कोई 2 दिन पुरानी है, कोई 3 दिन पुरानी है, कोई फूल चुकी है, कोई सड़ चुकी है, किसी में से मवाद निकल रहा है, किसी में से पानी, सड़ा हुआ पानी, बदबूदार पानी निकल रहा है, कुछ नीली पड़ चुकी है, काली पड़ चुकी है, कुछों को पशुओं ने खा डाला है, उनको शत विकसित कर दिया है, कहीं हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, कहीं मनुष्य की आकृति का पता ही नहीं चलता, सिर्फ मांस ही मांस नजर आता है, कहीं धड़ ही धड़ है, कहीं सर ही सर है, कहीं विकृत अवस्था में पड़ा हुआ चेहरा है जिसकी कोई शनाख्त नहीं हो सकती। ऐसी अलग अलग शत विकसित विकृत अवस्थाओं में मनुष्य को देखने से उस व्यक्ति के अंदर एक वैराग्य पैदा किया जाता था। इसको बुद्ध ने नवसिवथिक कहा। मुर्दा लाशों की इस अवस्था को देखकर साधक के मन में यह चिंतन चलना स्वाभाविक था कि जैसी अवस्था मैं इस शरीर की देख रहा हूँ, वैसा ही मेरा भी शरीर है और यह शरीर की भी ऐसी ही अवस्था होने वाली है। इसमें से भी इसी तरह से पानी चुएगा, इसमें से भी इसी तरह की बदबू आएगी, यह भी इसी तरह से नीला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, इसके अंदर भी इसी तरह से हड्डियाँ चमकेंगी, हड्डियाँ निकलेंगी, इसको भी पशु पक्षियों द्वारा इसी तरह से खाया जाएगा और जब वह इस प्रकार की अवस्था को देखता था, इस प्रकार की अवस्था को अपने मानसिक
पटल पर विचार में लाता था तो जितनी भी आसक्ति थी शरीर के प्रति वो धीरे धीरे प्रतिकूल अवस्था में बदलने लगती थी। जो अब तक अनुकूल दिखाई दे रहा था अब धीरे धीरे प्रतिकूल अवस्था, काम वासना के प्रति निर्वेद, काम वासना के प्रति घृणा, काम वासना के प्रति अनिच्छा जगाना मुख्य उद्देश्य था। जो इस तरह से काम वासना में आकंठ डूबे हुए हैं उन व्यक्तियों की मानस पटल पर, उन व्यक्तियों की मानसिक अवस्था को बिल्कुल ही प्रतिकूल बना देना इस नवसिवथिक का उद्देश्य था। यह हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति की अवस्था अलग अलग है, हर व्यक्ति का मानसिक पटल बिल्कुल अलग अलग है, हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था बिल्कुल अलग अलग है। किसी के अंदर तृष्णा बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर द्वेष बहुत ज़्यादा है, क्रोध बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर मोह ज़्यादा है और किसी के अंदर शरीर के प्रति वासना यानी काम वासना ज़्यादा है। नवसिवथिक का उद्देश्य ही यही था कि किसी तरह से व्यक्ति के अंदर रूप के प्रति, पुरुष हो तो नारी का, नारी हो तो पुरुष का, इस सुंदर रूप के विचरण, सुंदर रूप में विचरण करता हुआ मनुष्य अलग अलग तरीके से विचार उसके अंदर रंगे रहते थे। उसकी इस अवस्था को बुद्ध कहते थे कि जैसे मानो कीचड़ में धंसे हुए हैं। इस कीचड़ में धंसे हुई स्थिति से बाहर निकालने के लिए नवसिवथिक का उपचार कराया जाता था। और नवसिवथिक, अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि इस तरह से वासना से मैं ग्रसित हूँ, मैं 50 से ऊपर का हो चुका हूँ, जवान बच्चे हैं और मैं गृहस्थी हूँ लेकिन अभी भी वासना पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए इस तरह के व्यक्तियों के लिए जो एक तरफ से तो इस तरह से शरीर के प्रति बुरी तरह से आकर्षित हैं, वासना ग्रसित हैं, और दूसरी तरफ से वह बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, अपनी चेतना का उत्थान करना चाहते हैं, मुक्ति निर्वाण शाश्वत सत्य को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए नवसिवथिक एक प्रकार की प्रणाली थी, एक प्रकार की व्यवस्था थी बुद्ध के द्वारा। और उन लोगों को ही इन विभिन्न प्रकार के श्मशानों में भेजा जाता था। कहते हैं कि 9 तरह के श्मशानों में शव दर्शन का काम एक प्रारंभिक कदम हुआ करता था, जिसका उद्देश्य ही यही था कि जो लोग काम वासना में बुरी तरह से डूबे हुए हैं उन व्यक्तियों के अंदर काम वासना के प्रति निर्वेद प्राप्त करना। इस प्रकार विभिन्न पर्वों के अंतर्गत 6 प्रकार की कायानुपश्यना करने का विधान किया हुआ है। आनापान के सहारे ध्यान को स्थिर करके आती जाती सांस पर अपने मन को स्थिर करके संप्रज्ञान की ओर आगे बढ़ता है एक साधक।
और संप्रज्ञान तुरंत नहीं घटता, किसी को तो 2-3 दिनों के बाद अनुभूति होती है, किसी को महीना भी लग जाता है और किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं कि वह अपने शरीर पर होने वाली वेदनाओं की अनुभूति करने लगे। और जैसे जैसे वेदनाओं की अनुभूति होने लगती है, तब उसके अंदर होश का काम शुरू होता है, होश जगने लगता है, अपनी वेदनाओं को शरीर के अंदर महसूस करना। इसका अर्थ ही है कि अब वह अवेयर हुआ, अब उसके अंदर होश जगा, अब कभी कभी वह उठ रही वेदनाओं को अपने अंदर देख पाता है, महसूस कर पाता है। अभी भी वो बहुत सोई हुई अवस्था में है, लेकिन सोई हुई अवस्था में भी कभी कभी उसके अंदर कोई ऐसी घटना घटती है जब संप्रज्ञान महसूस होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति विपश्यना की ओर आगे बढ़ता है, तब वह संप्रज्ञान के सहारे, होश के सहारे विपश्यना के जो 4 प्रकार हमने बताए, कायानुपश्यई, वेदनानुपश्यई, चित्तानुपश्यई और धर्मानुपश्यई, इनमें संप्रज्ञान को साधते हुए वह सफल होता है, निरंतरता बनाए रखता है, अपने शरीर को देखता है कायानुपश्यई में, संप्रज्ञान के सहारे समस्त अंगों में उठ रही वेदनाओं को महसूस करता है, उन अंगों पर टिकता है, रुकता है, और इसी तरह से वह आगे बढ़ता है, वेदनानुपश्यई में वेदनाओं को देखता है शरीर के अंदर, अपने समस्त अंगों में, शरीर के अंगों में वेदनाओं को उठना, उनका डूबना, उनका उत्पन्न होना और उनका नष्ट होना, सब उसको महसूस होता है। चित्तानुपश्यई में चित्त के अंदर, मन के अंदर उठ रहे विचारों को देखता है, अपनी उन कमियों को देखता है, क्रोध को देखता है, तृष्णा को देखता है, मोह को देखता है, लोभ को देखता है, ईर्ष्या को देखता है। इसी तरह धर्मानुपश्यई में वह अपने धर्म, जो धर्म बन चुका है, क्रोध करना मेरा एक धर्म बन चुका है, एक आदत बन चुकी है, मोह मेरी आदत बन चुकी है, कब मोह जग रहा है, कब मोह नहीं जग रहा है, वह देख पाता है कि अब मोह जगा है, मैं देख रहा हूँ। और फिर जब मोह नहीं जगता, तब वो कहता है कि अब मोह नहीं जग रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो क्षण प्रति क्षण अपने अंदर उठ रही उन वेदनाओं को, उन भावनाओं को, उन विचारों को, हो रही हलचलों को देखता है और महसूस करता है कि कौन सी चीज़ कितने गहरे में अंदर बैठी हुई है और किस प्रकार से बार बार उठकर बाहर आती है। ये सभी काम तभी होगा जब संप्रज्ञान होगा। संप्रज्ञान का अर्थ ही है एक ऐसी अवस्था जो निरंतर होश से भरी हुई है। तो नवसिवतिक सबके लिए नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने को गहरे में समझा है, जिन्होंने अपने अंदर उठ रही वासनाओं को, शरीर के प्रति आकर्षण को स्वीकार किया, गहरे में उसका मनन किया है, चिंतन किया है और वो उससे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना इससे बाहर आए हुए उनकी कोई गति नहीं, उनकी कोई प्रगति नहीं, और ध्यान के मार्ग पर
उनको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए नवसिवतिक एक बहुत ही अच्छी विधि है और इस विधि से बहुत अच्छा लाभ होता है और व्यक्ति अपनी ध्यान साधना में गहरे में उतरने लगता है। गहरे में उतरने के लिए समझना जरूरी है और जब तक समझ नहीं होगी तब तक जो व्यर्थ है वह सार्थक नजर आता है। जब तक समझ नहीं पैदा होगी, जब तक गहरे में कामवासना के प्रति निर्भीत नहीं होगा, तब तक यही लगता रहेगा कि यह जीवन का अभिन्न अंग है, इसकी अनिवार्यता है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नवसिवतिक से होकर गुजरना होगा, किसी भी प्रकार की अनिवार्यता और आवश्यकता नहीं है काम वासना की। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मध्य मार्ग से कोई परिवारजक गृहस्थ में रहते हुए निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता। कर सकता है, बशर्ते कि वो शील के नियमों का पालन करे, बशर्ते कि वह धर्म के मार्ग पर 100% अपने को दृढ़ संकल्पित होकर लगाए। नमो बुद्धाय।